झाड़ू मारूंगा, इसलिए उसने एक झाड़ू झाड़ू लाया और अपना दो एक आदमी का झाड़ू मार दिया और झाड़ू रखने के लिए गया। क्या करने के लिए गया? झाड़ू रखने के लिए गया। और वो बैठने के लिए वापस आया तो दूसरा आदमी बैठने बैठा, उसको झाड़ा हुआ जागे में, तो उसको सुख लगेगा क्या दुख लगेगा आदमी देखकर? क्यों? क्योंकि उसने अपेक्षित झाड़ू मारा ना, अनाशक्त होकर झाड़ू मारा तो उसको सुख लगा। बोलता है बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो दो तीन आदमी की जगह झाड़ूगा। फिर उसने और झाड़ू लाया और दो तीन आदमी की झाड़ू मार दिया जगह और फिर झाड़ू लेने के रखने के लिए चला गया। इतने दो चार आदमी आके हुए झाड़ू मारे हुए जगह पे बैठ गए। फिर वो आया देखता है तो देखने के बाद उसको सुख होगा क्या दुख होगा? किस कारण सुख होगा बताओ? क्योंकि उसने आचरण का धर्म जो झाड़ू मारा है ना भावना से, वो सुख देता है, कोई बाहर से सुख नहीं टपकता है। फिर उसको सुख लगने के कारण बोलता है अभी तो मैं 10-12 आदमी की जगह झाड़ूंगा, बड़े लोग आएंगे अच्छे होंगे मेरे लोग सुनेंगे, ऐसा करके भावना होके और उसने 10-12 लोगों की जगह झाड़ कर रखने के लिए गया। तो 10-12 लोग आके बैठ गए। बोलता है अभी और मानना पड़ेगा, इसलिए उसने पूरा का पूरा मंडप झाड़ लिया। मंडप झाड़ लिया तो बहुत सारा लोग झाड़े हुए जगह में आके बैठ गए। तो मेगा को सुख लगेगा क्या दुख लगेगा? बस वो अपनी भावना करते हुए बैठ गया, देखो मेरे लोग आ गए, मैंने झाड़ू मार लिया है, तो उसका सुख अनुभव हो रहा। जीत करने से सुख और दुख अनुभव होता है, उस को भगवान बुद्ध ने धर्म और धर्म कहा है। जो धर्म धर्म की व्याख्या है, जो लोक मिथ्या दृष्टि से अनुभूत होते हैं उसे लौकिक धर्म कहा है, जो लोक धर्म कहा है जिसने बुद्ध की धर्म की करने का अनुभव व्यक्त होता है मनुष्य में उसको धर्म कहा है। मनुष्य का स्वभाव सुचरित दुचरित है, जैसा गुस्सा आया तो अपने में दुख पाएगा, जैसा पुण्य किया तो अपने में सुख पाएगा, यही धर्म है। और दूसरा कोई आसमान से गिरता नहीं है। मनुष्य से स्वभाव से भिन्नता से स्वरूप से जानना ही ज्ञानी पुरुष का लक्षण है, यही सब धर्म है। ऐसा बोलते हुए वो मेगा को बड़ा अच्छा लगा। फिर क्या हो गया? धर्मदेशना हो गई, लोग तो अनार्य धर्म के लिए, उसको मालूम नहीं क्या करना। फिर वो भतीजी ने आशीर्वाद दिया, लोग चले गए। लोग चले जाने के कारण वो मेघा को लगने वाला सुख, कोई भी कर्म करने से याद होता है ना, शाम को चिंतन मनन होता है ना, होता है क्या नहीं होता? जैसी दिन को दारू पिया तो स्वप्न कौन सा आएगा? दारू पीने का आएगा। जैसा दिन को गाली गलौज किया झगड़ा किया तो रात को स्वप्न कौन सा आएगा? झगड़ा करने का आएगा। जो दिन को कर्म करता वही आते हैं, दूसरे और कोई नहीं आते। अपने किए हुए कर्म स्वप्न में उत्पादित होते हैं, चाहे वो अनागत के हो अतीत के हो। फिर क्या हो गया? उसको बड़ा चिंतन में सुख लगा। देखो मैंने झाड़ू मारा, पंथी जी आए, ये हुआ, ऐसा चिंतन करते करते उसको क्या लगेगा? सुख ही लगेगा ना, याद करते हुए। वो सुख के कारण दूसरे दिन उठा और वो ही झाड़ू लिया, और पहले उसने अपनी और जो बड़ी गली थी वो गली झाड़ू मारा। कितने बजे? रात को 4 बजे झाड़ू मारा उसने। कितने बजे? 4 बजे। तो गली वाला लोग बोलता है क्या रे, दिन को तो हम हमारे आंगन का कचरा दूसरे आंगन में झाड़ू मारता था तो झगड़ा होता था, अब तो उसका भी आंगन झाड़ू मारा हुआ, इसका भी आंगन झाड़ू मारा है, ऐसा बोल के लोग हैरान हो रहे। फिर दूसरे दिन उसने 2 गलियां झाड़ू मारा, तीसरे दिन और 4 गलियां, ऐसा करते करते उसने अधिक गांव झाड़ू मार के रखने का प्लान बनाया। तो रोज झाड़ू मारता है तो रोज उसको सुख लगेगा क्या दुख लगेगा? सुख लगेगा ना। वो सुख लगने से वो समाधि हो जाती थी उसको, और एक जने झाड़ू मारने के बाद अपना समाधि से पूजा वंदना करता था रोज। ऐसा करते करते उसका कार्यक्रम बढ़ गया, लगने वाला सुख बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा? ऐसे करते करते गांव में एक मुजर लोगों की टोली थी, मुजर लोगों की टोली थी। तो वो मेघा झाड़ू मारता था, पहले तो लोग उसको गाली गलौज करते थे, आधे नाम से बुलाते, मेघे ऐसा करके बुलाते थे, अब तो मेघा नाम बुला रहे। अब कोई बोलता अरे वो लड़का भला है, आओ लाओ लाओ इधर आओ बच्चे, आओ चाय पी लो, थोड़ा कुछ खा लो, ऐसा बोल रहे हैं। अब लोग किसी के घर में त्योहार हो तो उसको आमंत्रित करते हैं, बच्चा मेरे आज के खाना खाना, तू भला अच्छा लड़का है। क्यों बोला बुलाते? पहले तो नहीं बुलाते थे लोग, अब क्यों बुलाते हैं?
आदर्श दिखता है, आदर्श करना है सद्धम पथ पर, तो आदर्श निर्माण होना चाहिए। हम बोलेगा मैं ध्यान करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ऐसा नहीं चलता है सद्धम में। आदर्श से लक्षण दिखना चाहिए। ऊपर आने का जब आकार आता है तो समझना का ये आकार में आ गया, आदर्श बन जाता अपने आप। उसको कोई नहीं बोलता मेरा गले में हार डालो करके, आदर्श उत्पन्न होता है। ऐसा करते करते क्या हो गया, गांव में एक छोरी थी, दारू निकालने वाली, व्यभिचार करने वाली, झूठ बोलने वाली, 10-15 लड़के लोग बोलता है अपने गांव में तो बड़ा संतुष्ट लगता है, आजकल झाड़ू मारा लगता है। ऐसा जा रहे वो मेघा नाम का लड़का झाड़ू मार रहा है ना, ऐसे वो दोनों मारा जा रहे। तो जाते जाते क्या बोला, अपने गांव में सबसे भला आदमी कौन होगा बोलता है। तो उसमें से एक लड़का बोलता है, टोली वाला जो मंडल होता है ना उसका वाला 10-12 जने का, बोलता है मेघा नाम का लड़का बड़ा आदर्शवान है, पुण्यवान है, उसे लोग बड़ा सम्मान करते हैं। तो क्या कर रहे हो? अच्छा क्या बोलते है? तो पीछे आ रहे, आने के बाद वो मेघा के पास रुके, बोलते मेघा मित्र हम तो बदमाश है आपको मालूम है, लेकिन अगर हम आप में शामिल हो जाए, काम कर्म करे आपके जैसे, तो आप मुझे शामिल करेंगे। तो रो रहा मेघा, अरे एक दीपक से 1000 दीपक जलाने से उजाला होता है, आपको मालूम नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, और आप 10 मिलेगा तो न जाने कितना गांव में सुखियाली छाएगी। ऐसा बोलते हुए उसने बोला आज से हम चोरी नहीं करेंगे, हम झाड़ू मारेंगे। ऐसा करते करते वो टोली की टोली झाड़ू मारने लग गई, रोज झाड़ू मारते हैं। झाड़ू मारने के सुख लगेगा के दुख लगेगा उसको, गांव की दारू निकलना बंद हो गए, गांव के बिचारा शाम को झगड़े होना बंद हो गए। ऐसे करते करते उसका सुख बढ़ गया। उसने बोला चलो हम रात को बैठ जाएंगे एक जगह, पूजा वंदना करेंगे। तो गांव में एक बल्ली गाड़ी और उसके जगह झाड़ दिया, उसमें झंडा लगाया, बोलता आओ बैठ जाएंगे हम, तो मेघा नाम को वंदना पाठ है, वो दूसरे को सिखाता है। ऐसे करते करते वो गांव बदल गया। गांव बदल जाने से लोग हैरान हो रहे, बोलते हमारे गांव में तो बड़ा झगड़ा होते थे, अभी तो झगड़ा नहीं होता है, क्या कारण नहीं होता है। तो बोलता है मेघा नाम के जो 7 लड़के 10 लड़के है ना, वो टोली बन के हमारे गांव की सफाई करता है, दारू नहीं निकालते, चोरी नहीं करते, बड़ा गांव सुधर गया। ऐसा करते करते वो लोगों का आदर्श करेंगे ना बड़े लोग। अब ऐसा करते करते जब काम वाले लोग शाम को घर को आते हैं तो अपने बच्चों को बुलाते हैं, तो मेरे बच्चे उधर है बोलते, तो छोटे बच्चे कहाँ है, तो बड़ा बच्चे बैठे बैठे छोटे बच्चे देखने को आते हैं, देखने को आते तो छोटे भी बैठने लग गए। ऐसा करते करते छोटे बच्चे बैठने लगे गए तो बोले अरे छोटे बच्चे आते हैं उसके लिए मिठाई लाएंगे, तो छोटे बच्चे मिठाई के कारण और बढ़ रहे। ऐसा करते करते उनके माता पिता आते हैं, बोलते हमारे छोटका बच्चा कहाँ गए, तो बोलता ये सब मेघा नाम का जो है ना कार्यक्रम चालू, वहां जाके बैठते रहो। तो माता पिता भी आते हैं देखने को, बच्चे को लेने के लिए आता है, तो भी बोलता है क्या है रे क्या है रे, वो भी पीछे से बैठते हैं। ऐसा बैठते बैठते आखा गांव उस समय 2 घंटे के लिए आके देखता है, मेघा उसको ब्रह्म दक्षिणा देता है, वंदना करवाता है। ऐसा करते करते गांव में बड़ा संतुष्ट फैला, संतुष्ट फैलेगा क्या नहीं फैलेगा, पुण्य कर्म से संतुष्ट होगा क्या नहीं होगा, गांव होगा, समाज होगा, परिवार होगा, व्यक्तिगत होगा। ओ यार क्यों ला रहे, जिस करने से सुख और दुख अनुभव होता है वो मन का स्वभाव ही भगवान ने धम्म कहा है, उसे धम्म मार्ग से चले तो कोई भी मनुष्य दुख नहीं पाता है। फिर क्या हो गया, फिर वो उस गांव में एक मुखिया है, मुखिया का काम क्या होता है, जो लोग चोरी करता है उसे भी पैसा लेता है, जो जिसकी चोरी पकड़ता है उससे भी पैसा लेता है। ऐसा दोनों से पैसा लेने से उसका घर गुजारा चलता है। तो मेघा के टोले में शामिल होगा वो, ऐसा करते करते उसका पैसा होना बंद हो गया। फिर उसके आमद के उसका एक पुजारी रहता है वो मुखिया का, झगड़े में हो रहे क्या बोलता है, अपने गांव में तो अब झगड़े नहीं हो रहे, हमारी कमाई डूब गई है, हमको तो 1,00,000 रुपया महीना होता था अब तो 1,000 रुपये नहीं हो रहे। क्या बोलता है, हमको अभी 1,00,000 रुपया होता था जब लोग झगड़ा करते थे वादियात करते थे तो हमको दोनों पार्टी से पैसा मिलता था, अब तो 1,000 रुपये भी नहीं होता, क्या हो गया गाँव को। तो उसका आमद तो बोलता है
बाबा जी आपको मालूम नहीं, वो मेगा नाम का लड़का है ना, उसके 10-15 बच्चे लोग एक गांव में पूजा करता है, झगड़े नहीं करते है, चोरी नहीं करते है, गांव में बड़ा संतुष्ट आ गया है, अब कैसा झगड़ा होगा। अरे हमारी तो कमाई डूब गई बोलते, तो क्या करे। वो जाता है बड़े वाले जनपद गांव में और उसको बोलता है, देखो हमारे गांव में बड़ा चोरों की टोली निकल गई है, गांव में चोरिया करता है, हल्ला करता है, ऐसा वो उल्टा कहता है। किस लिए कहता है? अपनी कमाई के लिए। तो वो उसका वो बड़ा राज दरबारी होता है, उसने क्या किया, बड़े बड़े सैनिक भेज दिया उसको पकड़ने के लिए। जहाँ उसको जो मेघा नाम है, मेघा नाम का लड़का और 10-15 जो टोली होगी उसको पकड़ कर लेके आ जा। तो पुलिस आए, चुपचाप उनको हाथ में हथकड़ा लगा दिया, बोलता है तुम मेघा नाम के साथ काम करता है ना, तो बोलते हो लगाओ हथकड़ी। ऐसे 10-15 लड़के को हथकड़ा लगाकर बिना पूछे लेके गए। फिर वो लड़के बोलते कारे मेघा, हम तो पहले खूनखार सभा वाले बदमाश चोर खूनखार थे, तब हमको राजा भी डरता है, सैनिक भी डरते थे, अभी हम तो ये काम पाप करना छोड़ दिया है, फिर भी हमको क्यों पकड़ा गया। तो बोलते है देखो न्याय होगा, हम सप्तम पर चलता है तो विश्वास करो न्याय होगा। ऐसा करते करते वो आए राज दरबार में, आए रात को उसको जेल में रखा, जिनको उसको सजा देने के लिए ऐसे सामने लगाए, फिर उसकी फौजदारी होगी, दंड सजा क्या, गुनाह किया क्या। ऐसा करते करते वो आया एक उसका साक्षी देने वाला न्याय मंत्री, बोलता है ये अमुक अमुक गांव का लड़का मेघा नाम का और उसके 10-15 साथी एक गांव में झगड़े करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दारू निकालते हैं और बड़े बड़े की चोरिया करते हैं, उसको दंड देना चाहिए, ये एक नंबर के बदमाश है, गांव के मुखिया ने अर्जित किया है, ऐसा करके बोलता है। तो फिर क्या हो गया, दंड क्या देना चाहिए उसको, दंड क्या देना चाहिए, वो तो बच्चे चुपचाप है, दंड क्या देना चाहिए। तो बोलता है अपने अपने हत्ती खाने में ये पागल हत्ती है, उसको दारू पिला और वो उसको छोड़ दो, ये 10-15 जने के कुचल देगा, उसका दंड दे दो, ऐसा देहांत प्रायश्चित। तो बोलता है ठीक है, तो उसको मारने के लिए सजा फरमाई, ऐसी सजा फरमाई तो मरने के लिए जी घबराता है ना। तब मेघा नाम के जितने भी 10-12 लोग थे वो मेघा को बोलते हैं, मेघा देखो जब मैं पाप करते थे हम लोग तो हमको राजा डरता था, अब तुम्हारे साथी संगी हो गए, देखो अभी हम मारने की सजा सुना रहे हैं, अभी हम मर जाएंगे। तब मेघा नाम का लड़का बोलता है अपने में विश्वास करो, क्या बोलता है, अपने में विश्वास करो, जो सत्य पे राह पे चलता है मरता नहीं है, ऐसे आप जानो। तू बोलता है आप अपने में अनुभव करो और अपना मंत्र बोलो, रुको एक मिनट रुको, बाद में करेंगे, मंत्र बोलो। बोलते तो कौन सा मंत्र बोलते, हम जब से 3 शरण अनुगमन करता है, हम जब से पाप कर्म छोड़ दिया है, पुण्य ही कर्म करते हैं, पंचशील का पालन करते हैं, इस पुण्य से हमारा कोई बिगड़ेगा नहीं इस संसार में, ऐसा आग बंद करके ऐसा कहो, बोले। बस उसने अभी मरने के कारण डर के मारे बोलना चालू कर दिया, हम पाप करते थे पहले, अभी हम पुण्य करते हैं, हम पंचशील का पालन करते हैं, 3 शरण को अनुगमन करते हैं, हम कभी पाप करना नहीं चाहते है, फिर भी हम किसी से डरेंगे नहीं, हमको कोई मार नहीं सकता है, हम सच्ची राह पर चल रहे, ऐसे वो अपने अपने में बोल रहे। अभी हत्ती छोड़ दिया, छोड़ने के बाद लोगों को लगा आप तो ये बच्चे बच नहीं जाएंगे, ऐसा करते करते खूंखार से चिल्लाते हुए हत्ती वो उसके ऊपर और के दौड़ के चल रहा है, चलते चलते सब लोग भयभीत हो रहे हैं, अभी ये बच्चे कुचल जाएंगे करके। ऐसा करते करते हत्ती की चाल धीमी 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 होके वो मेघा नाम के लड़के जहाँ खड़े है वहां जाके हत्ती बैठ गया। अब तो कमाल हो गया, अरे इतना चंद पागल हत्ती उसके पास जाके क्यों बैठा, राजा को विचार करने का मजबूर हो गया। बोलता है कारे हत्ती तो पागल है छोड़ा ना, तो बोलते हो हाजी हुई है, अरे इसने तो बहुत सारी जने की जान लिया, अभी क्यों वहां जाके बैठ गया। तो बोलते क्या मालूम का बाबा, बोलता है ऐसा करो दूसरा हाथी छोड़ दो। बोलते दूसरा हाथी आ लाया,
दूसरा छोड़ा वो भी गया, जाते जाते वो भी उसके पास जाके बैठ गया। बोलता ऐसा क्यों हो रहा है, फिर बोलता है तीन हड्डी छोड़ो। अब शांत होकर बैठ जाएगा, एक मिनट शांत होकर बैठ जाएगा, सीतामा शांत होकर बैठ जाए। कितने हड्डी छोड़ा बाद में, पहले तीन चार छोड़ा, अभी तीन चार से तो कोई बचेगा नहीं। वो तीन चार अस्सी खुनकार स्वभाव से दौड़ते दौड़ते उसका जब नजदीक आया तो उसकी रिदम हो गई, शांत होके उसके पास जाके बैठ गई। तब बड़ा आविष्कार होगा क्या नहीं होगा, राजा विचार करेगा क्या नहीं करेगा, उसका न्याय मंत्री विचार करेगा क्या नहीं करेगा। तो बोलता है राजा इसमें कुछ गड़बड़ है, ये लड़के के पास मंत्र है। क्या बोलता है, ये लड़का लोगों के पास क्या बोलते हैं, मंत्र है। तो हम पूछे इसे तुम कौन सा मंत्र उपचार दे, शायद हमको काम में आ जाएगा। तो वो जाता है राजा उठकर और उसको बोलता है आप बैठो नीचे। तो वो राजा जाता है उसके पास, उसका न्याय मंत्री जाता है और ये तो मेघा और मेघा के साथी बच्चे अपने भयभीत होकर मंत्र उच्चार रहे। कौन सा मंत्र उच्चार रहे हो, हम पहले पाप कर्म करते थे अभी केवल पुण्य कर्म करते हैं, इस कर्म करने से हमें कोई भी मार नहीं सकता है, ऐसा मंत्र उच्चार रहा। ऐसा करता करते राजा गया उनके पास, बोलता है शमान हम आपको पूछना चाहते हैं, आप उठाकर हमारे साथ बात करें। तो आप उठाया तो सब हाथी बैठे हैं, बापरे बोलते हाथी हमारे पास आके क्यों बैठे हैं। फिर बोलता है वो मेघा के तरफ लड़के देख रहे, देखो मेघा बोलता था हमको कुछ नहीं करेगा, बड़ा खुश हो रहे, मेघा के ऊपर विश्वास हो गया, पंचशील के ऊपर विश्वास हो गया, सद्धम्म के ऊपर विश्वास हो गया, फिर उसको सुख अनुभव हुआ। फिर क्या बोलता है राजा आप क्या किया कि आज अभी तक ऐसा हाथी बैठा नहीं है, तो कितने आदमी मर गए हैं लेकिन आपके आने से इतने हाथी आके बैठे, आपको मारा क्यों नहीं, आपके पास क्या मंत्र है। तो मेघा नाम का लड़का बोलता है हमारे पास बहुत बड़ा मंत्र है राजा। क्या बोलता है राजा हमारे पास बहुत बड़ा मंत्र है, जिस करने से राजा धार्मिक बनता है, जिस करने से प्रजा सुखी होती है, जिस करने से बाल बालिका जीव जीवाणु सभी सुखी होते हैं, पितो भवतु लोकोच राजा भवतु धम्मिको। बोलता है राजा सुखी होता है, बच्चा सुखी होता है, सब जीव सतो सुखी होते हैं, ऐसा कौन सा मंत्र है। तो बोलते है पानाति पाता वेरमणि, ये क्या होता है, बोलता है ऐसा नहीं बताएगा राजा, आपको शिष्य बनना पड़ेगा, जब तुम शिष्य बनेगा तब हमको आमंत्र देगा। तो बोलता है लाओ रे उसका मंत्र लाओ। बोलते है बड़ा सजा जगा के कोई रथ लाओ और बैंड बाजा लगाओ, इन सभी बच्चों को बिठा और मेरा अनुप निकाल गाँव में। फिर उसको बिठाया, बिठाने के बाद अपने राज आसन पर वो लड़के को बिठाया और वो राजा नीचे बैठा। उसने बोला ना कि शिष्य बनना पड़ेगा तब बताऊंगा, तब वो शिष्य बन गया राजा। राजा शिष्य बताने से बोलता है क्या बताओ जी मंत्र, तो बोलता है पानाति पाता वीरमणि, हिंसा नहीं करूंगा, अधिन्न दाना वीरमणि, मैं चोरी कर्म नहीं करूंगा, कामे सुमिचाचारा वीरमणि, मैं वे विचार नहीं करूंगा, मैं मुसावादा वीरमणि, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चूरा मेरे मद्यपान मैं नहीं करूंगा, और मैं लोभ मूलक मोह मूलक धर्म से उच्छेद करते हुए केवल पुण्य संचित करते हुए अपने में जानूंगा कुशल का परिणाम और कुशल का परिणाम। ऐसा जैसा बोलता वैसा वैसा राजा समझ लेता है। समझने के बाद बोलता है मैं शरण गमन करता हूँ, तीन शरण बुद्ध शरण धम्म शरण संघ शरण को आता हूँ। तो राजा धार्मिक बन गया। फिर राजा ने फिर राजा धार्मिक बनने के बाद वो जो लड़के 10-12 वो तो लड़के नहीं रह गए, उसने झट से चटमुंडन करके भिक्षु बन गए। भिक्षु बने नहीं वो अरहंत भी हो गए, मार्ग फल प्राप्त हो गए। तो न जाने कौन से गांव, वो गांव गए वो गांव गए, 10 सालों में पूरा क्षेत्र बुद्धमय कर दिया। हम बोलता है बाबा साहब ने कहा था सारा भारत बुद्धमय होगा, तुम सब पाप करेंगे तो कैसा होगा, पुण्य कर्म करने का एक परिक्रमा अपने में जानो, ये जो क्षेत्र है ये कुरुक्षेत्र है,
यहाँ सब इसे 2000 साल पूर्व सब बुद्धिस्ट लोग थे। आपको नया लगता है तो जाके देखो, संगरूर में जाके देखो, कुरुक्षेत्र में जाके देखो, ये सतलज नदी के पास जाके देखो, आपको इतिहास मिलेगा। तो इसी कारण जीव मनुष्य स्वभाव से दुख और सुख अनुभव करता है, इसको भगवान ने धम्म कहा है। धम्म को हिंदू नहीं होता है, धम्म अपने मन का स्वभाव, जिस करने से दुख सुख अनुभव होता है। तो अगर हम सच्चाई के तौर पर चले तो पुण्य कर्म करना पड़ेगा। इसी कारण भगवान ने बोला, दुगो संसार बालन, जो कोई मनुष्य दीर्घ काल तक संसार में चलते लेकिन अपने को जो नहीं जानता है वो मूर्ख है, बाल है, अज्ञानी है। किस तरह, जिस तरह छोटा बच्चा अज्ञानी है, इस तरह बुढ़ा होने के बाद भी